हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी आपको ये वीडियो में टीम ओमेगा वर्सेस टीम ब्लाइंड की फाइट देखने को मिलने वाली है, जहां पे आपको गॉब्लिन टीम ब्लाइंड से खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और गॉब्लिन ने सोलो 5 फिनिशेस निकाला था, साथ में टीम ब्लाइंड ने आई थिंक 14 या 15 फिनिशेस के साथ चिकन निकाला था। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। बिकॉज़ आप देखिए रिजिस का प्ले है पूरे का पूरा। गॉब्लिन फ्रॉम टीम ब्लाइंड की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहां पे शटडाउन करना शुरू कर चुके हैं प्लेयर्स को। ट्रिगर को डाउन करते हुए देखेंगे एक अच्छी 1v1 की ब्लाइंड की। तो जी हां गाइस, जो लोग चैट में पूछ रहे हैं कि गॉब्लिन कौन सी टीम से खेल रहे हैं, ब्लाइंड के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे देखने को मिलने वाले और वो शॉट्स ले रहे हैं टीम ओमेगा के ऊपर। ओमेगा के प्लेयर्स अभी भी बचे हैं अपनी स्मोक के अंदर, उरुस पार्क करी है उन्होंने और वहीं से परफॉर्म करना धीरे धीरे करके शुरू करते हुए देखेंगे। कुछ हेफ्टी शॉट्स उनके ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। अब इसका रिजल्ट इनके फेवर में जाएगा या फिर नहीं वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, बट स्टिल हैव टू से ब्लाइंड के पास डीसेंट नंबर ऑफ फिनिशेस ऑलरेडी हैं। हालांकि अब धीरे धीरे करके उनको इन फिनिशेस से बढ़ के सर्वाइवल पे खेलना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारी टीम स्लैम देंगी। बट डब्ल्यू एस बी ऑलरेडी रोटेट करती हुई जस्ट कंपाउंड की मदद से, वो एक्चुअली बगल से नहीं गए कि स्लैम देती हुई दिखी। सीक्रेट फाइंस अवेलेबल, वन जेरफ को डाउन कर दिया जाएगा, आर्म एक्सटेंशन को डाउन कर दिया जाएगा, प्लेयर वन को डाउन कर दिया जाएगा वहीं पे। और ये लीजिए ओमेगा को दराशाई करने वाले रहेंगे डायनोसिस कमिंग फ्रॉम टीम ब्लाइंड। देखते ही देखते अभी यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी जीटी जैक्सन यानी कि टीम प्रिंस के जैक्सन आखिरी खिलाड़ी देखने को मिल जाने वाले और उनके ऊपर शॉट्स लेती थी नोआर ईस्पोर्ट्स। जाएगी बस वो एक गोली कनेक्ट हो जाए किसी तरीके से, बटन पहुंच भी जाए सो द केस ओमेगा, उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, बट उनसे भी ज्यादा जिनका सवाल भी मुश्किल बनता हुआ दिखेगा बिकॉज एक शॉट की उम्मीद है वो भी कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। डायनोसिस इज अ 1v2, इतनी दूर से वो 1v2 करते हुए दिखेंगे। ना सिर्फ उन्होंने ओमेगा को डाउन किया बल्कि वो जिन को भी डाउन करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं जीवन दान की तो एक बार टीम प्रिंस की तरफ मुड़ के देखिए, पूरी की पूरी टीम जो ऑलमोस्ट एक डाउन होने वाली थी वो अब उठ खड़ी होने वाली है। बिल्कुल उनके पास लेकिन एक ये एडवांटेज था जिससे यहाँ पर मैं समझता हूँ रिवाइवल उनको मिल पाया क्योंकि उनके पास एक अच्छा शेक था और जिसकी वजह से वो अपने प्लेयर्स को दोबारा से रिटेन अपने पैरों पर यहाँ पर जो है खड़ा करने में कामयाबी प्राप्त करते नजर आए। बट दूसरी तरफ टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स की बात कर ली जाए, देखते ही देखते वो 4 फिनिशेस से सीधा 9 फिनिशेस ये टीम जो है अर्जित कर चुकी है और इसी तरीके नजर आ सकते हैं। बट सामने से टीम एडमिट के प्लेयर्स आके बगी रोकेंगे जरूर। मैं समझता हूं ओके ने ना थोड़े से स्प्रेज मिस कर दिए, एक साधारण सा स्प्रे देखने को मिला लेकिन अब उनके साथी रॉबिन तो चांस नहीं देंगे। गॉब्लिन बैक एंड साइड से और भी अगर आप देखिए टीम ओमेगा के प्लेयर्स को यहां पर जो है प्रवेश करने से मना करते नजर आ रहे हैं। बट टीम ओआर की तरफ से प्रो वो प्लेयर बनेंगे जो कि व्हीकल को भी बस डाउन करते नजर आएंगे और आते क्षण यहां पर जो है लगातार फ्रैग्स पे फ्रैग्स निकाले फिलहाल किस तरीके से अपने अपोनेंट को दर्शाई कर पाते हैं। रियली हैव टू सी बिकॉज वहीं पर अगर बात करी जाए इवेंट टीम नंबर 5 यानी कि ओमेगा की तो उनके पास भी कुछ सीरियस नंबर ऑफ प्लेयर्स बचे हैं गाइस। इनके भी 4-4 खिलाड़ी जीवित देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है ब्लाइंड वर्सेस ओमेगा मुझे बहुत जल्दी देखने को मिल जाने वाला है। बहुत अच्छी फॉर्मेशन यहां पर निकल के आ रही है। ओके की बात करी जाए फ्रॉम टीम 14 व्हिच इज गोना बी ओआर ईस्पोर्ट्स, वो एक आखिरी खिलाड़ी है एस वेल के M4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। What kind of gameplay is that? 6 finishes आप निकाल चुके ऑलरेडी, टीम का परचम आपने टॉप 4 में लहरा दिया ऑलरेडी, बट बाकी के अब जो दो प्लेयर्स हैं आपकी टीम के उन्हें किसी तरीके से सर्वाइव करना है। अक्षत ब्लाइंड प्लेयर 3 को डाउन करते हैं यानी कि टीम ओमेगा फाइट बैक और जोन के बाहर टीम ब्लाइंड देखने को मिल रही है, यही एक सबसे बड़ी तकलीफ और ब्लाइंड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा अभी जोन के एंट्री। अक्षत ब्लाइंड प्लेयर 3 को डाउन करते हुए दिखेंगे, रिटेलिएशन में ये लीजिए जिनको भी डाउन कर दिया जाएगा सीक्रेट की तरफ से। बियॉन्ड दिस कमिंग ट्रैक्टर सामने से ओमेगा भी रोटेट करते हुए दिखेंगे, ओमेगा काफी कम एचपी बट सारे शॉट्स यस दे आर गेटिंग कनेक्टेड और इसी के साथ अक्षत एक आखिरी खिलाड़ी जोन के बाहर इनबाउंड करने की कोशिश, अगर पीक करने की कोशिश करी वो कामयाब उग देंगे। एग्जैक्टली वही हुआ, द होल टीम गोज डाउन। नाउ इट ऑल ट्रिकल्स डाउन टू रोनक वर्सेस डायनोसिस एंड सीक्रेट एंड गोब्लिन, 3 खिलाड़ी यहां पे देखने को मिलने वाले। इट्स अ 1v3, बहुत ही मुश्किल है कि फिलहाल किसी तरीके से एडमिट इस मैच के अंदर बच पाएगी, बट यस इज डन, एक फाइनल लीड। बाकी आपको टीम ओमेगा वर्सेस टीम ब्लाइंड की फाइट कैसी लगी, लास्ट जोन फाइट मुझे कमेंट करके बताना। और साथ में अगर आपने इवनिंग का मैचेस नहीं देखा है जहाँ पे गॉब्लिन ब्लाइंड के साथ खेलते हुए देखने को मिल रहा था तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग एंड